हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए आपके पास एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट लगती है वो होता है इनवर्स फंक्शन, राइट। तो इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बस उसका एक अगला पार्ट है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैं जस्ट एक बार आपको इनवर्स फंक्शंस के बारे में रिकॉल करा दे रहा हूँ कि किस तरीके से इनवर्स फंक्शन को डिफाइन किया गया था एंड क्या कंडीशन था, है ना। एंड उसमें डोमेन और रेंज का आपस में किस तरीके से इंटरचेंजिंग हो रहा था और ग्राफ किस तरीके से आ रहा था, हम इन सारे के सारे पॉइंट्स पे एक बार दोबारा इन शॉर्ट हम लोग बात कर लेंगे। और अगर आप पहली बार आप इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हो, आपने 11th में अच्छे से नहीं किया कवर अप, तो आप डिफ्रेंसिएशन की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डिफ्रेंसिएशन का जो टॉपिक है कवर किया गया उसमें आप उस लेक्चर को देख लीजिए। उसमें बहुत डिटेल में बहुत ब्रीफली उसको एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पे वो बहुत अच्छी तरीके से आपका फिर से क्लियर हो जाएगा अगर बहुत बेसिक भी आपका क्लियर नहीं है तब, ठीक है। और जिन बच्चों को थोड़ा ही नॉलेज है कि इनवर्स फंक्शन किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, कंडीशन क्या होते हैं, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं इन शॉर्ट यहाँ पर दोबारा एक बार आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन व्हाट इज द कंडीशन टू एग्जिस्ट द इनवर्स फंक्शन, है ना। इसके लिए कंडीशन क्या होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ना, फंक्शन मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। मतलब इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सब्जेक्टिव भी होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, वन वन या इंजेक्टिव एंड साथ में ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव। तो अगर इन दोनों को मिला देंगे तो हम साथ में कह सकते हैं कि फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन होना चाहिए बाइजेक्टिव, वन वन एंड ऑन टू होना चाहिए, या फिर कह लीजिए इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव होना चाहिए, या आप ये या ये नहीं बोलना चाह रहे तो आप एक ही शब्द में बोल दीजिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव मतलब इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सब्जेक्टिव भी होना चाहिए। अगर ये दोनों हो रहा है फंक्शन, तब क्या होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा किसी भी फंक्शन का, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो वन वन एंड ऑन टू फंक्शन दिखता किस तरीके से, तो एक बार हम जरा ये देख लेते हैं, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए से बी के बीच में एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ एफ। तो वन वन ऑन टू फंक्शन हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए है ना हैज अ यूनिक एलिमेंट, मतलब इस तरीके से, ठीक है, राइट। या तो आप ऐसे कह सकते हो कि नो टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज द सेम प्री सेम इमेज इन सेट बी, राइट। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि नो टू एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज द सेम इमेज इन सेट बी। सबके पास अलग अलग है भाई अपना इमेज, इसका इमेज अलग है, इसका इमेज अलग है, हर एक एलिमेंट का इमेज अलग अलग आ रहा है। और क्या ये ऑन टू है, बिल्कुल है, बिकॉज ऑन टू का डेफिनेशन क्या होता है, तो ऑन टू का डेफिनेशन ये होता है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन सेट बी, है ना, ऑल द एलिमेंट्स इन सेट बी हैज अ प्री इमेज इन सेट ए, मतलब सेट बी का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि खाली फोकट बैठा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये पांचवा एलिमेंट रहता, ठीक है, और इसका कोई प्री इमेज नहीं यार, है ना, तो हम लोग कहेंगे ये फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा इन टू, तो ये वन वन इन टू का केस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वन वन ऑन टू नहीं रहेगा, तो अगर हमें ऑन टू क्रिएट करना है तो मैं इसको हटा के सोचूंगा, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें रखूंगा ही नहीं। या तो मैं अगर इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट रख रहा हूँ तो इसमें मुझे दोबारा एक एलिमेंट लेकर के ऐसे दिखाना पड़ेगा, अभी ये ऑन टू हो गया, राइट है। अच्छा, कोई सोचेंगे बहुत डेंजरस तरीके से, ठीक है, सर मैं ऐसा सोच लूँ क्या, ये जो एलिमेंट है ना इसका ना मैं इसके साथ रिलेशन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, हेलो, अगर ऐसा करोगे तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा फिर, ठीक है, राइट। क्योंकि आपको बताया गया था जो फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन था, राइट, वो भी लेके साथ में चलना है, क्या था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ द डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी, राइट। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट आ रहा है इसके देखो दो दो इमेजेस आ गए, है कि नहीं, तो ये फंक्शन नहीं होगा, कतई नहीं होगा ये फंक्शन, ठीक है। सो अगर फंक्शन सबसे पहले तो आपको फंक्शन है कि नहीं ये तो डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। ऐसा ना हो कि हमने फंक्शन ही नहीं डिफाइन किया है और मैं उसके उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि ये वन वन है, ऑन टू है, या वन वन ऑन टू है कि नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपके दिमाग में जो है वो ये फिक्स होना चाहिए कि फंक्शन हमने जो लिखा है, डिफाइन किया है, वो एक्चुअली एक फंक्शन है, राइट। नहीं तो वो सिर्फ हम रिलेशन लेकर के अगर चलेंगे तो फिर वहाँ पे हम लोग आगे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वन वन ऑन टू फंक्शन दोनों है, तो यहाँ पे ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब, है ना, तो यहाँ पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब अब क्या करते हैं कि हम लोग बी से ए के बीच एक हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं।
और यहाँ पे प्रॉपरली फंक्शन डिफाइन भी है ना, कोई भी क्राइटेरिया जो फंक्शन डिफाइन करने का क्राइटेरिया होता है कि नो टू एलिमेंट इन सेट है ना, डोमेन सेट कैन हैव मोर देन वन इमेज इन कोडोमेन सेट, तो ये वाला यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, राइट है। तो ये जब अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको हम कहते हैं कि ये एफ इनवर्स है बच्चे, ठीक है। क्या ये एफ इनवर्स, मतलब यहाँ पे अगर आप ए से बी एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो और बी से ए साथ में उसी फंक्शन के लिए आप एक रिवर्स फंक्शन डिफाइन कर पा रहे हो जिसका नाम हमने यहाँ पे जी दिया, तो जो आपने दोबारा फंक्शन बी से ए सेट को डिफाइन किया है ना, उसको हम लोग कहते हैं इनवर्स फंक्शन। क्या कहते हैं हम लोग उसको? इनवर्स फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल, बेसिक जानकारी मिल गई। अब जरा सा हम लोग डोमेन रेंज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो मैं यहाँ पे दोबारा दिखा रहा हूँ कि ये सेट जो हमने लिया है और ये सेट जो हमने लिया है, ये ए है ये बी है, मैंने सेट ए के एलिमेंट को एक्स कहा है और सेट बी के एलिमेंट को मैंने वाई कह लिया है, ठीक है, इस तरीके से। और ये अपने आप में क्या है, ये है वन वन ऑन टू फंक्शन लिया, ठीक है, ये वन वन ऑन टू फंक्शन है। तो ये एफ है और ये क्या रहेगा, एफ इनवर्स। तो समझिए जरा, यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा फॉर फंक्शन एफ है ना, एफ के लिए डोमेन क्या होगा बच्चा बता दो, तो डोमेन तो ये होता है एक्स होगा, है कि नहीं, राइट। एंड रेंज क्या होगा, तो रेंज वाई होगा, मतलब आप किसी भी फंक्शन में जो इनपुट डाल रहे हो वो क्या होता है, डोमेन होता है, और उस डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो आपका आउटपुट आ रहा है वो क्या होता है, रेंज होता है। तो यहाँ पे एक्स हो गया हमारा इनपुट और वाई हो गया हमारा आउटपुट, इसकी करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, इसकी करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू और इसकी करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, मतलब ये तीन रेंज आएगा, ये तीन डोमेन आएगा, सही बात है। एंड मैं अगर यहाँ पे जी की बात करूँ, जी मतलब एफ इनवर्स, ठीक है, जी मतलब एफ इनवर्स, इनवर्स फंक्शन की अगर बात करूँगा तो यहाँ पर अगर मैं डोमेन पूछूँगा आपसे, ठीक है, तो डोमेन किसके इक्वल होगा, क्या होगा यहाँ पर, तो सर यहाँ पे तो डोमेन अभी इनपुट हम ये डाल रहे हैं, ठीक है, तो डोमेन यहाँ पे क्या होगा, वाई हो जाएगा, और यहाँ पे रेंज क्या होगा, तो सर अगर मैं इनपुट ये डाल रहा हूँ तो आउटपुट ये आ रहा है, मतलब इनपुट मैं वाई डाल रहा हूँ तो आउटपुट एक्स आ रहा है, मतलब रेंज हो जाएगा एक्स, करेक्ट है। तो जब इनवर्स फंक्शन किसी भी फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो जो फंक्शन था, जैसे मान लीजिए मैं वाई इक्वल्स टू साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, तो जो y इक्वल्स टू साइन एक्स का जो डोमेन था अभी वो रेंज हो जाएगा, और जो रेंज था वो डोमेन हो जाता है, राइट। बट यहाँ पे मैं जो रेंज की बात कर रहा हूँ ना, साइन इनवर्स की रेंज की बात कर रहा हूँ, वो एक लिमिटेड इंटरवल में होता है। अब किस तरीके से उसको हम फिक्स करते हैं, किस तरीके से उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई आप इसी इंटरवल में सिर्फ रह सकते हो, एंड किस तरीके से वहाँ पर क्राइटेरिया अप्लाई किया जाता है वन वन एंड ऑन टू का, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जो डोमेन रहता है वो रेंज हो जाता है और जो रेंज रहता है वो डोमेन हो जाता है, ठीक है। एंड फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए मैंने बोला क्या कि फंक्शन वन वन ऑन टू होना चाहिए, राइट। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आएगा, सर वन वन ऑन टू ये चेक कैसे करूँगा, क्योंकि अगर इस तरीके से सेट के फॉर्म में अगर आपके पास फंक्शन है तब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये वन वन है ऑन टू है, वन वन ऑन टू है या नहीं है, है ना, ये चीज़ आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर ये सेट के फॉर्म में नहीं रहा, तब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह ले रहा हूँ कि y इक्वल्स टू कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, राइट, ये वन वन ऑन टू है कि नहीं है, अगर मैं इसके बारे में पूछूँ, ठीक है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वन वन ऑन टू है या नहीं, इसको पता करना है। तो ये किस तरीके से पता करेंगे हम, ये बहुत ही आसान है अपने आप में समझना। मैं जरा से दोबारा यहाँ से आ रहा हूँ, ठीक है, मैं इस डायग्राम से आ रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ आगे कि भाई यहाँ पे जो एरो डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया गया था फंक्शन है ना, कि वन 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 का मतलब क्या, हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग अलग अलग वाई होगा, या तो दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि कोई भी ऐसे दो एक्स के वैल्यूज नहीं होंगे जिसके करस्पॉन्डिंग सेम वाई आए, राइट। मतलब ये इस तरीके से भाई है ना, कि यहाँ पे ये ले लिया है ना, ऐसा यहाँ पे दो एक्स, मतलब ये एक्स वन है ये एक्स टू है, इसके करस्पॉन्डिंग सेम वाई का वैल्यू आ रहा है, तो ये वन वन नहीं रहेगा, ये मेनी वन हो जाता है, राइट है, मतलब नो टू एक्स हैव द सेम इमेज इन सेट बी, राइट, ओके। मतलब आप कुछ इस तरीके से कहना चाह रहे हो क्या सर, कि जैसे मान लीजिए कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर लिया हमने, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिया, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरीके का होता है, ये इस तरीके का होता है कि नहीं, राइट है, बिल्कुल राइट है। तो अभी मान लीजिए कि मैं x इक्वल्स टू वन की बात कर रहा हूँ और x इक्वल्स टू माइनस वन की बात कर रहा हूँ, तो अगर x का वैल्यू माइनस वन रखा मैंने, है ना, x का वैल्यू माइनस वन रखा तो y का वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा, एंड x का वैल्यू वन रखा तो y का वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा, मतलब x माइनस वन पे भी x प्लस वन पे भी दोनों पे भी y का वैल्यू क्या आ रहा है, वन ही आ रहा है। तो आप प्लस वन ले लीजिए या माइनस वन ले लीजिए, मतलब यहाँ पे ना ये दोनों वैल्यू सेम आया, राइट,
है कि नहीं, ये भी वन है और ये भी वन है। तो यहाँ पे ये फंक्शन वन वन होगा क्या? ये फंक्शन यहाँ पे वन वन नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, तो पहचानने का तरीका क्या है? तो पहचानने का सिंपल सा तरीका ये है कि आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए, ठीक है, किसी भी फंक्शन की बात कर लीजिए। मैं इसको ज़रा मिटा करके आपको अच्छे से दोबारा दिखा देता हूँ बच्चे, ठीक है। मैं आप ग्राफिकली बता रहा हूँ और ये आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा समझना, और आपको फाइंड आउट करने में काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। मैंने बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात कर लेता हूँ और इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आप ड्रॉ करते हो, राइट है, बिल्कुल राइट है। अब क्या करना है कि आप ना कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए आप। मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, मान लीजिए मैंने y इक्वल टू इसका 2 दे दिया है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा और यहाँ पर जो वैल्यू आ गया, ये कुछ ये क्या रहा होगा, ये रूट टू रहा होगा और ये क्या होगा, माइनस रूट टू रहा होगा, है कि नहीं? तब तो होगा ना, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है चूंकि, है ना। तो रूट टू पे और माइनस रूट टू दोनों पे ये वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से आ रहा है। रूट टू ले लीजिए या माइनस रूट टू ले लीजिए, दोनों के करस्पॉन्डिंग टू ही आ रहा है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें एक्स लिया और इसमें वाई लिया, तो ये इस तरीके से है ना। तो ये क्या हो गया, ये मेनी वन हो गया, राइट है। बट अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, मान लीजिए अभी मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि अभी मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर मैं एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ। रिस्ट्रिक्शन किस तरीके का लगा रहा हूँ कि मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज दिस, बट कब, जब x मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो खाली, ठीक है। अब इसके पहले ना ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हाफ पार्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे इमेजिनेशन में वो रख ही नहीं रहा हूँ मैं। दो, वी नो दैट कि ग्राफ पूरा लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट करेगा करेगा, बट वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आर कंडीशन अप टू एक्स ग्रेटर देन जीरो ओनली, राइट। तो अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो की बात खाली करोगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, सिर्फ पॉजिटिव एक्स साइड पे आएगा, राइट है। एंड अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है, तो ये ग्राफ को कितनी जगहों पर कट कर रहा है, सिर्फ एक ही जगह पर कट कर रहा है कि नहीं है? तो मतलब हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। ये देखो, इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यू, ये x1, ये x2, ये x3, यहाँ पे x4 और x5 कह लीजिए, ठीक है। तो हर एक x के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y मिल रहे हैं आपको, मतलब कुछ इस तरीके से हो रहा है भाई कि x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है। तो इसमें क्या आ रहा है, y1 आ रहा है, y2 आ रहा है, y3 आ रहा है, y4 आ रहा है और y5 आ रहा है। ये अलग अलग वैल्यूज प्रोड्यूस करके दे रहा है आपको। यहाँ पे किसी भी दो x के करस्पॉन्डिंग एक x का, सॉरी, एक y का वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब ये फंक्शन अभी ये वन वन होगा, राइट है, ये अभी वन वन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मिनी वन है। तो मतलब वन वन चेक करने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या है ना, कि आप ग्राफ पहले ड्रॉ कर लो। कुछ बेसिक फंक्शन है जिनके ग्राफ आपको मालूम होने चाहिए, है ना, और सारे बच्चों को मालूम होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अगर ग्राफ मालूम है आपको, ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, करेक्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। एंड अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक जगह से ज़्यादा कट किया, जैसे यहाँ पे, तो फंक्शन वन वन नहीं होगा, और सिर्फ एक जगह पे कट किया मतलब फंक्शन वन वन होना है एंड पक्का होना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऑन टू की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये वन वन होना है। अब ऑन टू की बात करूँ, सर ऑन टू किस तरीके से चेक किया जाएगा, राइट है, ऑन टू किस तरीके से चेक किया जाएगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे। चलिए, मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, एक नया फंक्शन मैंने कुछ इस तरीके से लिया, ये सेट ए और ये सेट बी, और इसमें एलिमेंट्स लिए मैंने x1, x2, x3 और x4 कह लिया, ठीक है, और यहाँ पे ले रहा हूँ y1, y2, y3 एंड y4, राइट। और इस तरीके से मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, मीनिंग वन फंक्शन डिफाइन किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मालूम होगा आपको कि जो सेट ए के एलिमेंट्स जो रिलेटेड होते हैं सेट बी के एलिमेंट्स के साथ में, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन, है ना। तो ये डोमेन सेट होता है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे एलिमेंट डोमेन में आएंगे। जिसके करस्पॉन्डिंग आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है, जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन डिफाइन है, उसी वैल्यू को सिर्फ हम डोमेन में लेते हैं, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड एज डोमेन, राइट। एंड रेंज, अच्छा, सेट बी को सबसे पहले क्या कहते हैं, हम सेट बी को कहते हैं कोडोमेन, ठीक है बच्चे, कोडोमेन कहते हैं, राइट है। एंड रेंज क्या होता है, तो रेंज मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो कि सेट ए के एलिमेंट के साथ रिलेटेड हैं, मतलब किसी ना किसी एलिमेंट का वो जरूर इमेज रहा होगा, तो उसको हम रेंज कहेंगे। तो यहाँ पे अगर डोमेन तुमसे पूछा, तो डोमेन क्या होगी, यहाँ पे x1 होगा, x2 भी रहेगा, x3 भी रहेगा और x4 भी रहेगा। अगर तुमसे यहाँ पे रेंज पूछा, तो रेंज क्या कहोगे बच्चे, y1 कहोगे, y2 और y4 कहोगे, है ना, y1 रहेगा, y2 रहेगा और y4 रहेगा।
क्या वाई थ्री रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। बट मैं अच्छा ये फंक्शन किस तरह का फंक्शन है सर? ये फंक्शन ना वो मेनी वन और इनटू है, ठीक है, मेनी वन इनटू है, राइट है। तो मेनी वन इनटू है तो ये फंक्शन का रेंज आया वाई वन वाई टू वाई फोर, मतलब यहाँ से आप इस तरीके से कह सकते हैं क्या, और जानते भी हैं आप लोग, है ना, कि रेंज जो होता है सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का होता है, राइट। बट मैं अगर अब इस फंक्शन पे आ रहा हूँ, ठीक है, किस फंक्शन पे, इस पे आ रहा हूँ, ठीक है, ये कैसा था, ये फंक्शन था वन वन ऑन टू। तो वन वन ऑन टू के केस में देखो कि डोमेन ये तीन है, जाने दीजिए डोमेन की बात, अब रेंज पे आओ, रेंज ये तीनों है और इसका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन में भी यही तीनों एलिमेंट आ रहा है। तो जो ऑन टू फंक्शन होता है ना, ऑन टू फंक्शन के केस में रेंज जो होता है ये क्या होता है, कोडोमेन के इक्वल होता है, ठीक है। और बाय डेफिनेशन भी ये समझ सकते हो तुम भाई, है ना, कि डेफिनेशन यही कहता है ऑन टू फंक्शन का कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या, सारे के सारे एलिमेंट्स सेट बी के, राइट, सेट बी की सारे के सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई तो प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में, तभी वो ऑन टू फंक्शन होगा। मतलब ऑन टू फंक्शन हो रहा है मतलब रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होना है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, राइट। तो चेक अगर मुझे यहाँ पे ये करना है कि अगर मैं इसी फंक्शन की बात कर रहा हूँ, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की बात कर रहा था, जब एक्स मैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले रहा हूँ, ठीक है, क्या ये फंक्शन वन वन है? वन वन है, हमने चेक कर लिया, एच एल टी है ना, एच एल टी से, एच एल टी मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग, ठीक है, इससे चेक कर लिया कि एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है फंक्शन को, मतलब ये है हमारा वन वन। अब चेक करने जा रहा हूँ क्या ये ऑन टू है, तो ऑन टू चेक करने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि क्या इसका जो रेंज है और इसका कोडोमेन है, ठीक है, क्या ये सेम है या नहीं है। अगर सेम होगा तो ऑन टू हो जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो ऑन टू नहीं रहेगा, है ना। तो चलो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मैं इसकी रेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी रेंज की बात कर रहा हूँ, इसका रेंज क्या होगा बच्चा, इसका रेंज होता है आपका जीरो टू इन्फिनिटी, है ना, जीरो टू इन्फिनिटी ऐसा होता है। और यहाँ पे है ना इसका रेंज होता है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होता है, जीरो टू इन्फिनिटी, सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है तो नेगेटिव कभी देखे नहीं जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने कोड डोमेन लिया है, ठीक है, कोडोमेन, ठीक है, तो कोडोमेन में क्या क्या आपको निकल के आ रहा है आउटपुट, राइट, देखो आप जीरो टू इन्फिनिटी ही आ रहा है कि नहीं, जीरो टू इन्फिनिटी ही आ रहा है, राइट, जीरो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, जीरो पे क्लोज एंड इन्फिनिटी पे ओपन, राइट। तो यहाँ पे कोडोमेन भी वही आ रहा है और रेंज भी वही आ रहा है, तो जो कोडोमेन है वही रेंज है आपका, है कि नहीं, आप जो कोडोमेन का वैल्यू ले रहे हो हर एक वैल्यू वो रेंज के करस्पॉन्डिंग हर एक वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे क्या ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल है, मतलब यहाँ पे ये फंक्शन जीरो से अधिक वैल्यू के लिए ये क्या होगा, ऑन टू भी रहेगा, ठीक है, मतलब ये वन वन भी हो गया जीरो से बड़े के लिए और ऑन टू भी रह गया, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इसका इन्वर्स बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, ये चीज़ हमने सीखा था वहाँ पे फाइंड आउट करना, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम लोग इन्वर्स, ठीक है। अभी इसके आगे मैं बात कर रहा हूँ, अभी जैसा डोमेन रेंज की बात की तो मैंने आपको ये बताया था कि डोमेन बन जा रहा है रेंज और रेंज बन जा रहा है डोमेन, ठीक है। दोबारा एक बार, ये सेट ए, ये सेट बी, अब थोड़ा सा हम लोग ग्राफ के ऊपर आएंगे, सेट ए से बी डिफाइन किया एफ और ये इन्वर्स डिफाइन किया हमने, ठीक है। इसके कुछ एलिमेंट्स मैंने लिए थे, यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स रख लिए, इसके एलिमेंट को मैंने एक्स कहा था, इसके एलिमेंट को मैंने वाई कहा था। तो अगर एफ की बात कर रहे हैं तो डोमेन था हमारा क्या, एक्स, और रेंज क्या था हमारा, वाई। और अगर एफ इनवर्स की बात करें तो डोमेन क्या हो गया, वाई, और रेंज क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। अभी मतलब एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है और वाई एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कोई भी फंक्शन ले लीजिए, ठीक है, कोई भी फंक्शन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं किसी फंक्शन की बात कर रहा हूँ भाई, है ना, जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, राइट। अगर ये कोई भी फंक्शन एफ है, ठीक है, ये कोई भी फंक्शन है, वाई इक्वल्स टू एफ है, ठीक है। अगर इसका एफ इनवर्स पूछ रहा है कि एफ इनवर्स कैसा होगा, तो आप ग्राफ कैसा होगा इसका, तो आप क्या करिए, वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन ड्रॉ कर लीजिए एंड इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि ये अगर एफ है तो ये एफ इनवर्स रहेगा, ठीक है, करेक्ट। तो इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ रहता है हमेशा, ठीक है, जो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होता है ना, वो सिमेट्रिक होता है या मिरर इमेज होता है, किसके अबाउट, तो वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी हमने जस्ट अभी बात किया था वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसा होगा, ठीक है, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। और ये चूंकि वन वन ऑन टू है, हमने अभी जस्ट प्रूफ किया है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका ग्राफ किस तरीके का दिखेगा, है ना, हम ये बात कर रहे हैं। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, वाई इक्वल टू एक्स लाइन एक ड्रॉ कर लूँगा,
और इसको इंटरसेक्ट करेगा 1,1 पे, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ये ऐसा, ये सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x हो गया, राइट है। तो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक, जैसा नीचे रहेगा उसी वैसा ही सेम इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग उसका ग्राफ जरूर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। चलिए मैं अभी अब आता हूँ इनवर्स ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इनवर्स ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स के, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है साइन का, है ना, साइन इनवर्स हो रहा है तो किस पर्टिकुलर रेंज इंटरवल में वो एग्जिस्ट करेगा, क्या एक्स के सारे वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, या फिर हमें जिस तरीके से हमने अभी एक्स स्क्वायर के लिए फिक्स किया था, है ना, हमने फिक्स किया था ना कि एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए सिर्फ वो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसी तरीके से जब साइन का इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या एक्स के सारे वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं जहाँ पे ही सिर्फ ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ वाई इक्वल्स टू साइन एक्स के ऊपर, इनवर्स ऑफ, है ना, इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन ऑन वन वन ऑन टू है क्या। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है बच्चे, है ना, ये इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया एक इंटरवल में, राइट, पर्टिकुलरली। तो ये आपके पास साइन एक्स का ग्राफ रहा और ये जीरो होता है, आप इसको पाई कहते हो, ये टू पाई होता है, सभी लोग जानते हैं, है ना, ये वैल्यू जो रहता है माइनस पाई बाय टू होता है, और ये सॉरी ये प्लस पाई बाय टू होता है, और इधर ये जो रहता है ये माइनस पाई बाय टू होता है, और इधर माइनस पाई रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे दिखा लिया, राइट। अब आपको चेक करना है कि क्या ये 1,1 ऑन टू है या नहीं है, है ना। अब क्या करेंगे 1,1 चेक करने के लिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कितने जगहों पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको उससे पता चलेगा। मैं एक रफ ग्राफ नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, साइन एक्स का, दोबारा मैं उसको गंदा नहीं करूँगा, एंड इसी से हम लोग पता कर लेंगे। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया इस तरीके से, देखो अगर मैंने कोई इंटरवल फिक्स नहीं किया कि मैं कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर साइन एक्स की बात करोगे तो x बिलोंग्स टू r, इसका डोमेन होता है, एंड इसका जो रेंज होता है, रेंज क्या होता है, माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच होता है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे इंटरवल फिक्स नहीं किया, ठीक है, x बिलोंग्स टू r रखा, तो ये फंक्शन जो है बहुत सारी जगहों पे इंटरसेक्ट होगा किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन से, अगर वो लाइन में माइनस प्लस वन से माइनस वन के बीच में ड्रॉ कर रहा हूँ तब, ठीक है। अच्छा जी, तो ये वाला क्या 1,1 रहेगा, नहीं कतई नहीं रहेगा, ठीक है, ये कतई नहीं रहेगा, क्या 1,1 नहीं रहेगा। तो 1,1 कब होगा, क्या मैं अभी यहाँ पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ इंटरवल को, बिल्कुल कर सकता हूँ। अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ, अब मैं इस पूरे ग्राफ की बात नहीं करने जा रहा हूँ, मैं इसको मैं ना फिक्स करने जा रहा हूँ कि मैं सिर्फ माइनस पाई बाय टू से लेकर के मैं प्लस पाई बाय टू तक की बात कर रहा हूँ, कहाँ से कहाँ, माइनस पाई बाय टू से लेकर प्लस पाई बाय टू तक की सिर्फ बात कर रहा हूँ, ये वाला इंटरवल सिर्फ यूँ, है ना, ये वाला, एंड उसके पहले और उसके बाद की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मिटा सकता हूँ, ठीक है, मैं मिटा दिया इसको। अभी मैं ये चेक करूँगा कि इसको मैं थोड़ा डॉटेड कर दे रहा हूँ, थोड़ा आपके लिए रेफरेंस मिलेगा बच्चे, है ना, कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको अंडरस्टूड करेंगे ईजिली, है ना। ये ऐसा कर दिया, और इसको भी मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ सिंपली, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अभी मैं ये जो माइनस पाई बाय टू से लेकर के प्लस पाई बाय टू तक की बात कर रहा हूँ, आप इस इंटरवल में सिर्फ चेक करो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, क्या ये फंक्शन 1,1 है या नहीं है। लेट्स ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मारा है यहाँ पे ऐसा कुछ, तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट किया, नीचे मारा है यहाँ पे, तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच में कहीं भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिएगा, तो ये जो ग्राफ है ना माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू के बीच का, ये सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगा किसको, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को, बट ध्यान रखेंगे माइनस वन से प्लस वन के बीच का ही करना है ड्रॉ, ठीक है। तो अगर ये एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये 1,1 तो होगा, पक्की बात है भाई, है ना, कि ये 1,1 होगा। नाउ लेट्स चेक फॉर ऑन टू, अगर अभी यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू हो रहा है, तो क्या यहाँ पे ये फंक्शन यहाँ से यहाँ के बीच में ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर कोडोमेन की बात करोगे तुम, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोडोमेन देखोगे तो क्या क्या आ रहा है, माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच का सारा वैल्यू आ रहा है, तो कोडोमेन माइनस वन से प्लस वन के बीच आएगा। अच्छा, इसका रेंज भी वही होता है क्या, यस सर, रेंज भी इसका माइनस वन से प्लस वन के बीच ही होता
है कि नहीं। अब देखो ना, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा, तो ये माइनस वन से लेके प्लस वन तक की सारी वैल्यू दे रहा है कि नहीं। माइनस वन से जीरो, फिर जीरो से वन, तो माइनस वन से लेके प्लस वन तक की सारे वैल्यूज प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब क्या होगा कि अभी y इक्वल टू साइन x का जो रहेगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। नाउ वी कैन से दैट इनवर्स ऑफ साइन x एग्जिस्ट, राइट। तो एग्जिस्ट कहाँ पे, क्या क्या ये पूरे के पूरे x के करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है? अगर मैं एंटायर इंटरवल की बात कर रहा हूँ, मतलब x बिलोंग्स टू r की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है, एक बाउंड्री लगा दी कि भाई हमें वन वन चेक करना था, तो वन वन मैंने माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू के बीच का खा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वन वन और वन टू फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है दोनों, मतलब अभी इस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बट अगर मान लीजिए मैं ऐसा पूछ रहा हूँ आपसे कि बेटा ये बताओ, ठीक है, कि अगर मैं जीरो से पाई के बीच की बात कर रहा हूँ, क्या अभी ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, या फिर माइनस पाई से प्लस पाई के बीच की बात कर रहा हूँ, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा सर, कतई नहीं करेगा, ये वन वन ही नहीं होगा, है ना, राइट है, वन वन होगा ही नहीं, करेक्ट। तो वन वन नहीं होगा, ऑन टू होगा, लेकिन वन वन नहीं होगा। तो वन वन अगर नहीं हो रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट करने की बात आती ही नहीं है, है ना। तो कोई भी कंडीशन फेल हो गया, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। और आपको ये तो पता होगा ना बच्चे, है ना, कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग लिखते हैं इसको इस तरीके से, है ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये तो बताया जा चुका है आपको, है कि नहीं, ये बताया जा चुका है। और अभी एक और चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इसका डोमेन और रेंज बताओ क्या क्या होगा। इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू माइनस वन टू प्लस वन, एंड इसका रेंज हो जाएगा क्या? रेंज हो जाएगा माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू के बीच का। क्यों? आप ये सोचो कि साइन x का डोमेन क्या था, तो जो उसका डोमेन था अभी इसका रेंज हो जाएगा, और जो उसका रेंज था इसका डोमेन हो जाएगा। मैं साइन एक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, बट कहाँ से कहाँ, सिर्फ माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू के बीच की बात कर रहा था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा इस इंटरवल को रिस्ट्रिक्ट करके, तब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, सही बात है। और अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट किया, ठीक है, तो इसका डोमेन और रेंज आप लिख सकते हो, क्या होता है, डोमेन बन जाता है रेंज, और रेंज बन जाता है डोमेन। तो अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे डोमेन क्या है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, तो ये बन जाएगा रेंज, है ना। और इसका रेंज क्या था बच्चे, तो रेंज तो सर यही था ना, रेंज माइनस वन से लेके प्लस वन था, तो ये बन जाएगा डोमेन, ठीक है। सो डोमेन माइनस वन से प्लस वन हो जाएगा अगर साइन इनवर्स एग्जिस्ट किया हमारा तो, और रेंज माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू तक हो जाएगा। अच्छा, इसको ना यहाँ पे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, सिंपली प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रेंज आया इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। क्यों कहते हैं? और क्या प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ यही होगा, या फिर इन्वर्स सिर्फ इसी इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा, आगे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, आप ये बताओ मुझे। लीजिए, देखिए यहाँ पे, मान लीजिए मैं अभी थोड़ा सा अपने सोच को आगे बढ़ा रहा हूँ और ग्राफ को और एक्सटेंड करके मैं सोच रहा हूँ। मैंने सबसे पहले सोचा माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू के बीच में, ठीक है, इस इंटरवल में। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं पाई बाय टू से लेके थ्री पाई बाय टू के इंटरवल में सोच रहा हूँ। तो क्या इस इंटरवल में ये फंक्शन वन वन है? बिल्कुल वन वन है भाई, है ना। ऑन टू रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये प्लस वन से लेके माइनस वन के बीच की सारे वैल्यूज को प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली क्या मैं अगर थ्री पाई बाय टू से लेके फाइव पाई बाय टू के बीच की बात कर रहा हूँ, तो क्या ये वन वन है? बिल्कुल है। और ऑन टू है? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये माइनस वन से लेके प्लस वन तक की सारे वैल्यूज प्रोड्यूस कर रहा है फिर से। मतलब ये इस इंटरवल में भी एग्जिस्ट करेगा इनवर्स? बिल्कुल करेगा। तो सर इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का, है ना, जो भी रहेगा वैल्यू, सारे के सारे के करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा इनवर्स? बिल्कुल करेगा। बट एक एक इंटरवल को अलग अलग कंसिडर करके आप करेंगे तभी वो करेगा, अदरवाइज नहीं। मैं अगर बोल रहा हूँ माइनस फाइव पाई से लेके प्लस फाइव पाई तक, है ना, तो वहाँ पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट मैंने सिर्फ एक इंटरवल की बात की, मैंने थ्री पाई बाय टू से फाइव पाई बाय टू की बात की, इसमें एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो सबसे बड़ा सवाल है कि सर मैं कौन सा इंटरवल पकड़ के चलूँ कि किस में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि भाई आप ये इंटरवल नहीं पकड़ो, आप वो इंटरवल नहीं पकड़ो, एक प्रिंसिपल वैल्यू को फिक्स किया गया है। देखो, जब आप किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करते हो ना,
तो कुछ चीज़ों को ना बेस मान के चला जाता है। और यहाँ पे जो बेस माना गया है, जब इनवर्स हमने डिफाइन किया है, तो जो बेस माना गया प्रिंसिपल वैल्यू का, वो जो बेस है माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच वाला जो वैल्यू है, इसको एज्यूम किया गया, ठीक है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच का, ठीक है। उसी तरीके से चाहें तो इधर डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेगा तो हम इसी में बात करेंगे, माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच का, ठीक है। इसको बेस मान करके आगे के जितने भी आपको डिस्कशन करने होंगे, है ना, इनवर्स फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स की बात करनी होगी, तो आपको माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, ठीक है, उसके आप बियॉन्ड नहीं जा सकते हो, करेक्ट, क्योंकि इसको लेकर के ही सारे का सारा डिस्कशन आगे कंटिन्यू किया गया है, राइट। अगर ये डिस्कशन लेकर के करते भाई, है ना, कि 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 लिया है या पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 लिया है, तो अपन हम कर सकते थे वहाँ पे भी बात, ठीक है, हम उस इंटरवल को पकड़ के कर सकते थे, या जनरलाइज नहीं किया है तो तब हम लोग ओपन थे भाई, हम किसी भी इंटरवल की बात कर सकते थे। अगर इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम इसमें बात करेंगे, अगर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 का कर रहे हैं तो उसमें भी बात कर सकते हैं, राइट है। बट प्रिंसिपल वैल्यू अगर बोला तो वो वाली चीज़ हम लेंगे जिसको कि बेस मान के चला गया है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू का जो बेस माना गया है वो है माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच का वैल्यू, करेक्ट। अच्छा, इन द सिमिलर वे सर, क्या कॉस इनवर्स का भी कुछ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा, और क्या टैन इनवर्स का भी कुछ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू माइनस वन टू प्लस वन, एंड इसका रेंज होगा माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। अब देखिए, अगर ये समझ गए हैं कि वन वन किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ऑन टू किस तरीके से चेक करना है, तो कोई भी फंक्शन आने दो भाई आप, ठीक है, कोई भी फंक्शन आने दो आप उसका बहुत आसान तरीके से क्या आप वन वन ऑन टू है या नहीं है चेक कर लोगे आप। इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, सबसे पहले मैं इसके ग्राफ की बात करूँगा। अगर ग्राफ आता है आपको, है ना, ड्रॉ करना है इसका, तो आप खुद ही बता सकते हो मुझे कि क्या होगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और इसका रेंज क्या होगा, है ना, मतलब इसका डोमेन क्या होगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, एंड वापस ये इस तरीके का होता है, ठीक है, तो इस तरह से ये लूप अपना कंप्लीट करते जाता है, ठीक है, यूँ। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, राइट, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, ये ऐसा, राइट, तो ये कॉस एक्स का ग्राफ हो गया बच्चे, राइट। अभी ये सोचेंगे कि क्या ये फंक्शन वन वन ऑन टू रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना, कतई नहीं रहेगा। आप ये इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए बहुत सारी जगहों पे कट गया है कि नहीं। अगर इसको ड्रॉ किया तो एक दो तीन चार जगहों पे कट गया, ऊपर भी वन टू थ्री मल्टीपल पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये तो क्लियर है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में अपने सोच को रख के, है ना, अपने डोमेन को रख करके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वन वन कहाँ पे होगा भाई, ठीक है। अगर मैं इस इंटरवल के माइनस, ये वाला इंटरवल क्या होता है, माइनस पाई बाई टू होता है, ए पॉइंट माइनस पाई बाई टू और ये पॉइंट पाई बाई टू होता है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू सोचूं तो नहीं नहीं अभी भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लेना है ये फंक्शन क्या हो, ये फंक्शन सिर्फ वन वन हो भाई, ठीक है, मिनी वन नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं अभी अपना सोच यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ, मैं ग्राफ दूसरा ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, ये इस तरीके से फंक्शन है, ठीक है, ग्राफ इसका। तो अभी देखो, मैं अब बात कर रहा हूँ माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू नहीं, अब मैं बात कर रहा हूँ जीरो से लेकर के पाई के बीच, ये तुम्हारा पाई वैल्यू है, ये जीरो है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। अभी देखो कि ये जो फंक्शन है यहाँ से यहाँ का, ठीक है, क्या ये वन वन है और क्या ये ऑन टू है चेक करो। सिर्फ मैं जीरो से, है ना, एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई की बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, मैं इसी इंटरवल की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता तो माइनस पाई से लेके जीरो की भी बात कर सकता था, माइनस पाई से जीरो की भी बात कर सकता था, बट मैं इसकी बात फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, ये इसमें भी डिस्कशन हो सकता है, मैं सिर्फ आगे की बात कर रहा हूँ, है ना, पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूँ। तो एक्स जीरो से लेके पाई के बीच में क्या ये वन वन है? बिल्कुल है सर, 100% है ना, तो ये वन वन है। अच्छा, इसका कोडोमेन क्या आएगा बच्चा? कोडोमेन क्या आएगा बेटा बताओ आप? तो कोडोमेन सर ये माइनस, ये प्लस वन है और ये माइनस वन है, तो प्लस वन से माइनस वन के बीच का हर वैल्यू दे रहा है, माइनस वन से लेके प्लस वन का हर वैल्यू दे रहा है। एंड रेंज का क्या ख्याल है आपका, है ना, तो इसका रेंज तो, है ना, पूरी दुनिया जानती है कि माइनस वन से लेके प्लस वन के बीच होता है, तो क्या कोडोमेन और रेंज इक्वल आया? बिल्कुल आया। तो अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल आया मतलब ये ऑन टू होगा, 100% ऑन टू होगा, राइट है। तो अगर ये ऑन टू होगा और ये वन वन भी हमने फाइंड आउट कर लिया कि इस इंटरवल में है, मतलब
इस इंटरवल में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करना है, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग इसको लिखेंगे y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। अब इसकी डोमेन की बात कर लो आप, डोमेन क्या होगा इसका, है ना, इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन क्या होगा भाई, तो जो इसका रेंज था, इसका रेंज क्या था, -1 से +1 हो जाएगा, और इसका रेंज क्या होगा बच्चा, तो सर यहाँ पे जो डोमेन था, मैं किसकी डोमेन की बात कर रहा हूँ, कॉस एक्स की डोमेन की बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उसमें जहाँ पे ये 1 1 था, तो किस में 1 1 था, तो 0 से लेके π के बीच 1 1 था, मतलब इसके लिए डोमेन कौन सा होगा, 0 to π। तो यहाँ पे अगर इनवर्स जिसमें एग्जिस्ट कर रहा है ना उसी डोमेन की बात करो, तो ये डोमेन अब क्या होगा इसका रेंज, मतलब इसका रेंज होगा 0 to π। रेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, ठीक है, PVB है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कॉस इनवर्स एक्स का हो गया, साइन इनवर्स एक्स का देखा आपने, कॉस इनवर्स एक्स का देखा, अच्छा टैन इनवर्स एक्स का भी देखेंगे। वाई इक्वल्स टू टैन एक्स की बात कर रहे हैं, है ना, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, राइट। तो पहले इसके हम ग्राफ की बात करते हैं बच्चे, ठीक है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, सभी लोगों को पता होगा कि पाई बाय टू के इंटरवल्स पे ना हम लोग बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, वर्टिकल लाइंस, एंड उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना बड़ा आसान हो जाता है। और इसका ग्राफ इस तरीके से होता है कि 0 पे 0, पाई बाय टू पे प्लस इन्फिनिटी की ओर, माइनस पाई बाय टू पे माइनस इन्फिनिटी की ओर, एंड ये होता है पाई वैल्यू, ठीक है, पाई पे वापस 0, एंड ये होता है 5π/2 प्लस इन्फिनिटी, एंड ये होता है 3π/2 पे माइनस इन्फिनिटी की ओर, ठीक है, 3π/2, ये होता है 0। और अरे मैंने क्या किया भाई, ये 5/2 होगा बच्चा, है ना, ये π/2 होगा, पाई हो गया, ये 3π/2 होगा बेटा, 3π/2 होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। एंड अब पीछे की ओर आप आओगे, है ना, तो वापस यहाँ पे ये इस तरीके से जाएगा, और ये यहाँ पे ऐसा आएगा, ये वैल्यू जो रहेगा ये -π/2 होगा, और ये -π होगा, राइट है। तो अभी ये बड़ा सिंपल सा है यार, है ना, अगर मैं ऐसे ही सारे इंटरवल के लिए बात करूँ, मतलब इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन तो -∞ to +∞, मतलब x बिलोंग्स टू r होता है, बट एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब ये पॉइंट नहीं आना है, ये पॉइंट नहीं आना है, ये पॉइंट नहीं आना है, तो इन सारे पॉइंट्स को छोड़ करके सारा का सारा जितना भी x का वैल्यू रहता है सब इसके डोमेन में आता है, ठीक है, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं अपने आप को किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करूँ कि 1 1 हो जाए और 1 2 भी हो जाए। तो अगर वैसे तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो बहुत जगहों पे कट करेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, है ना, तो इस तरीके से जितने भी आप पाई के इंटरवल में ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप उतने जगहों पे ये कट करने जा रहे हैं फंक्शन को, है ना। बट मैं अपना डिस्कशन अगर यहाँ पे इस इंटरवल में सिर्फ रख रहा हूँ, -π/2 से लेकर के +π/2 के इंटरवल में खाली रख रहा हूँ, तो क्या होगा, क्या ये 1 1 होगा, बिल्कुल होगा, 100% 1 1 होगा, है ना, एक ही जगह पे कट कर रहे खाली। और ऑन टू होगा क्या, हम लोग ये चेक करते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि x बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 रिस्ट्रिक्ट रखा अपने आप को, बट यहाँ पे कीप इट इन माइंड कि जो इंटरवल लिया है ओपन लिया है, ठीक है, -π/2 पे भी ओपन लिया और +π/2 पे भी ओपन लिया है। तो अगर मैं ये ओपन इंटरवल में बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि π/2 पे अनडिफाइन हो रहा था, -π/2 पे भी अनडिफाइन होता है, तो वैसे भी यार इसका डोमेन जो रहता है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के रखते हो आप, तो ये ऑड मल्टीपल ही तो है, है ना, π/2 और -π/2, तो इसको छोड़ करके रखेंगे, मतलब ये हमारे डोमेन में नहीं आएगा, राइट है। तो यहाँ पे जो हम कंसिडरेशन कर रहे हैं वो ओपन इंटरवल फ्रॉम -π/2 टू +π/2 कर रहे हैं। इसमें ये 1 1 आया क्या, बिल्कुल आया, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग से चेक कर लिया कि ये फंक्शन 1 1 है। नाउ चेक फॉर ऑन टू, तो इसका जो कोर डोमेन आ रहा है बेटा, है ना, अगर आप -π/2 से +π/2 की बात कर रहे हो तो यहाँ पे कोर डोमेन क्या रहा है, -∞ से +∞ आ रहा है क्या, मतलब -∞ पे भी जा सकता है वाई का वैल्यू और +∞ पे भी जा सकता है, और हर एक वैल्यू को लेके जा रहा है, तो -∞ से +∞ या फिर कह लीजिए आप सिंपली आर और ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और रेंज क्या होता है, टेन का रेंज क्या होता है, सर रियल नंबर ही तो होता है कि नहीं, तो क्या ये दोनों इक्वल हो गए, बिल्कुल इक्वल हो गए। तो अगर ये इक्वल हो गया मतलब ये ऑन टू होगा, बिल्कुल होगा। तो अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इनवर्स डज एग्जिस्ट, राइट, इनवर्स डज एग्जिस्ट, राइट। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट किया तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, वाई इक्वल्स टू टैन इनवर्स एक्स लिखेंगे, जो कि है ना सेट बी से सेट ए में डिफाइन होगा, मतलब अब यहाँ पे
डोमेन वाई बनने जा रहा है और रेंज एक्स बनने जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन डिफाइन करो, इसका डोमेन और इसका रेंज, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, जो इसका रेंज था, इसका रेंज क्या था, ऑल रियल नंबर्स, मतलब इसका डोमेन आर हो जाएगा। और इसका रेंज क्या होगा, जो इसका डोमेन था, तो इसका डोमेन हमने यहाँ पे कहाँ पे फिक्स किया, माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच। ध्यान रखिएगा, जब भी मैं डोमेन ऑफ टैन एक्स बोल रहा हूँ तो ऑल रियल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल पाई बाई टू था उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस इंटरवल की जिसमें सिर्फ इसका टैन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने सिर्फ एक इंटरवल लिया है, राइट है। गलती से भी कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना अपने आप में, सर आपने तो डोमेन बोला था। तो डोमेन मतलब क्या, डोमेन मतलब ये नहीं बेटा कि पूरी को ले लूँ मैं, ठीक है, जो हमारा डोमेन था टैन का, वो नहीं। हमें सिर्फ वो इंटरवल लेना है जिसमें इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स आएंगे, बट हम लोग सिर्फ एक इंटरवल को लेकर चलेंगे जिसको कि बेस मान के चला गया, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू जो है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक का ही लिया गया है, राइट। तो माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू इसका रेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे रेंज बन जाएगा इसका जो डोमेन था एक्स, ठीक है। तो रेंज हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू, राइट है। तो ये डोमेन और ये रेंज सेम तरीके से बाकी हम लोग कॉट का भी कर सकते हैं एंड कॉसेक का भी और सेक का भी कर सकते हैं सेम तरीके से, है ना। अगर मान लीजिए मैं फटाफट आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से होगा, ठीक है। मैं वाई इक्वल्स टू कॉट का एक देख रहा हूँ, ठीक है। तो कॉट एक्स का ग्राफ किस तरीके का होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं आप, याद होगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से पाई बाई टू के इंटरवल पे लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, दिस इज पाई बाई टू एंड दिस इज पाई, दिस इज थ्री पाई बाई टू एंड सो ऑन, राइट, दिस वन इज जीरो। तो ये कुछ इस तरीके का होता है बेटा, है ना, और वापस ये इस तरीके का होता है कि नहीं जी, राइट है। तो आप क्या करेंगे, आप जीरो से पाई के बीच का कंसिडरेशन करो खाली, ठीक है। तो यहाँ पे ये वन वन है और ऑन टू भी रहेगा, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक के सारे वैल्यूज दे रहा है। तो ये वन वन ऑन टू, वन वन भी है और ऑन टू भी रहेगा, क्योंकि इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। तो इसका अगर मैं वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स डिफाइन कर पा रहा हूँ, तो इसका अगर डोमेन लिखूंगा मैं, तो इसका जो रेंज था, इसका रेंज क्या था, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। और इसका मैं रेंज अगर लिखना चाहूँ, तो रेंज हम क्या लिखेंगे, जीरो से लेके पाई, क्योंकि जीरो से एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, ओपन इंटरवल। इसी इंटरवल में हमने सिर्फ इसका प्रिंसिपल वैल्यू लिया है, जहाँ पे किसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी करेगा, बट ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, ठीक है। हमारा प्रिंसिपल वैल्यू सिर्फ ये इंटरवल है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, जीरो टू पाई, करेक्ट है। तो इसी तरीके से मैं कॉसेक और सेक का भी दिखा देता हूँ। इफ़ यू रिमेंबर द ग्राफ ऑफ कॉसेक एंड सेक, तो आप इस चीज़ को बड़े आसान तरीके से समझ जाएंगे कि किस प्रकार से, है ना, कॉसेक का और सेक का भी इन्वर्स फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। और उसका प्रिंसिपल वैल्यू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल वैल्यू किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। तो मैं पहले ग्राफ की बात कर रहा हूँ, मैं पहले वाई इक्वल्स टू कॉसेक इन्वर्स एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ किस प्रकार से होता है भाई, तो ये प्लस वन के ऊपर होगा और माइनस वन के नीचे होगा, ठीक है। ये तो सभी लोग जानते हैं, है ना, दिस इज वाई इक्वल्स टू वन एंड दिस इज वाई इक्वल्स टू माइनस वन, एंड ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका, फिर से पाई बाई टू इंटरवल पे आप, है ना, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लीजिए एंड साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए आप। साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है, है ना, ऐसा होता है और इस तरफ यूँ होता है, ठीक है, ऐसा। अब कॉसेक का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आपको पता है कि ये इस तरीके से होता है कि नहीं, और इधर रहेंगे तो आप ये इस तरीके से होगा, है ना, और इस तरफ आएंगे तो इस तरीके से होगा, करेक्ट है। तो अभी ये सोचना है आपको कि ये वन वन कहाँ पे होगा, ठीक है, और वन वन ऑन टू कहाँ पे होगा, ये सोचना है बच्चे। मैं अगर माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू को इंटरवल कंसिडर कर रहा हूँ, माइनस पाई बाई टू मतलब ये वाला, और हमारा ग्राफ कौन सा है, हमारा ग्राफ रेड वाला ग्राफ है, ठीक है, कॉसेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। हम लोग वाई इक्वल्स टू कॉसेक एक्स की बात कर रहे हैं, इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया है और हमें इसके बारे में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कॉसेक एक्स का ग्राफ मैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के, मतलब ये मिटा रहा हूँ और मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ अपने आप को इस पर रिस्ट्रिक्ट कर रख रहा हूँ, तो क्या ये वन वन रहेगा या नहीं रहेगा। लाइन ड्रॉ करिए हॉरिजॉन्टल, तो ये एक ही जगह पर कट कर रहा है बच्चा, है कि नहीं। आप नीचे ही इधर ड्रॉ करिए, एक ही जगह पर कट कर रहा है, मतलब ये वन वन तो है, ठीक है, तो ये वन वन रहेगा, ठीक है। एंड ऑन टू रहेगा क्या, तो ऑन टू मतलब अभी इसका ये सोचो कि कोडोमेन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो कोडोमेन क्या होगा भाई, तो ये माइनस वन से नीचे आ रहा है, मतलब माइनस वन से लेके, ऐसा लिखो, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन तक आ रहा है,
और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो ये वन से स्टार्ट हो रहा है, ये वाई इक्वल्स टू वन लाइन है, वन से स्टार्ट होकर प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है और यूनियन वन से इन्फिनिटी। क्या यही इसका रेंज भी होता है, इसका रेंज यही होता है बच्चे, ठीक है राइट। तो अगर वन वन है और ये कोर डोमेन और रेंज सेम हो गया, मतलब ऑन टू भी रहेगा, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो वाई इक्वल्स टू कॉस एक इन्वर्स एक्स लिखेंगे, और इसका मैं अगर डोमेन लिखना चाहूँ तो डोमेन तुम बता सकते हो, और रेंज मैं लिखना चाहूँ तो रेंज भी बता सकते हो। डोमेन क्या होगा, जो इसका रेंज था, इसका रेंज क्या है, तो ये है इसका रेंज है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन या x लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन, राइट, एक ही चीज़ है राइट है। एंड रेंज क्या है बच्चा, तो रेंज वो इंटरवल रहेगा जिसमें हमने पहला डोमेन फिक्स किया था, जिसमें इसका इन्वर्स एग्जिस्ट किया था। तो हमने कौन सा डोमेन लिया था, माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच का, लेकिन x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, बट हमने जीरो को नहीं लिया था। क्यों, क्योंकि ये जीरो पे डिफाइन ही नहीं है, है कि नहीं है। आप देखो जीरो पे टच कर रहे क्या है, y को नहीं कर रहा, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, इन्फिनिटी कहाँ मालूम नहीं सर, पता ही नहीं कहाँ पे है। तो यहाँ पे जीरो को हम लोग एक्सक्लूड करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसका रेंज रहेगा क्या होगा, माइनस पाई बाय टू से लेके प्लस पाई बाय टू बट एक्सेप्ट जीरो, ठीक है राइट। तो या तो समझने का तरीका बहुत सिंपल सा, आपको अगर समझना है तो आप ये याद रखिएगा कि अगर साइन का आपको याद है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, साइन का अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद है तो कॉस का याद रखना बहुत ही सिंपल होता है, सेम साइन की जैसा लिख लेना है, ठीक है। क्या करना है, सेम साइन की जैसा लिख लेना है। क्या साइन का सेम था, साइन इनवर्स एक्स का जब हमने बात किया था ना, साइन इनवर्स एक्स का रेंज तो सेम था बच्चे, रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोथ आर सेम, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, सेम था, बिल्कुल सेम था सर, ठीक है। तो कॉस एक डिफाइन कहाँ पे नहीं हो रहा है, तो सर जीरो पे डिफाइन नहीं होते, तो उसको निकाल लो, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए मैं अभी डायरेक्ट सेक का लिख ले रहा हूँ, y इक्वल्स टू sec इनवर्स x है, ठीक है, तो इसका जो डोमेन रहेगा ना, डोमेन मतलब x का वैल्यू, ठीक है, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगा बच्चा, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1। एंड रेंज मतलब क्या बच्चा, तो रेंज मतलब y का वैल्यू सर, y, तो y क्या होगा, तो अच्छा अब ये सोचो कि sec का क्या था, तो सर sec का था ये 0 से लेके पाई के बीच, तो 0 से पाई के बीच का क्या कोई ऐसा वैल्यू है जहाँ पे कि sec डिफाइन नहीं है, ये सोचो, है ना, सॉरी ये कॉस का था, तो कॉस का लिख लो पहले, और अब ये सोचो कि जीरो से पाई के बीच का कोई क्या ऐसा वैल्यू है जहाँ पे कि सेक डिफाइन नहीं है, बिल्कुल है, पाई बाय टू, जहाँ पे कि सेक डिफाइन नहीं है, तो एक्सेप्ट पाई बाय टू लिख लीजिए। सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसिक सॉरी सेक इनवर्स एक्स राइट। एंड मैं आपको एक जगह इकट्ठे सारे के सारे जितने भी है ना हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैं सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक बार जस्ट आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और उसका डोमेन मैं एक जगह इकट्ठा लिख दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो साथ में आप बोल सकते हैं, आप गाइड करिए, ठीक है। आप मेरे लिखने के पहले आप लोग गेस करना कि क्या यहाँ पे हो सकता है भाई, है ना, बेहतर रहेगा आपके लिए राइट। मैं यहाँ पे एक टेबल आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें मैंने लिया, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूँ ITF, और यहाँ पे मैं इसके डोमेन की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं इसके रेंज की बात कर रहा हूँ। रेंज मतलब क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो इसमें मैंने रख लिया साइन इनवर्स एक्स, इसमें मैंने ले लिया यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स, और अगला टैन इनवर्स एक्स, अगला कॉट इनवर्स एक्स ले लीजिए, नेक्स्ट कॉसिक और सेक, है ना। तो यहाँ पे ले लेता हूँ कॉसिक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे ले लिया मैंने सेक इनवर्स एक्स, ठीक है राइट। इस तरीके से तो डोमेन रेंज आप ध्यान रखेंगे, बड़ा आसान है बच्चा यहाँ पे। तो साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बताओ, तो सर डोमेन तो वो होगा जो उसका रेंज था साइन एक्स का, ठीक है। साइन एक्स का रेंज क्या था, तो सर साइन एक्स का रेंज तो माइनस वन टू प्लस वन था, तो इसका ये डोमेन बन जाएगा, सही बात है। कॉस का क्या था, रेंज क्या था, माइनस वन से प्लस वन, तो इसका डोमेन बन जाएगा। टैन इनवर्स एक्स का डोमेन मतलब टैन एक्स का रेंज क्या था, ऑल रियल नंबर्स, हो गया काम, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन, अच्छा मतलब कॉट एक्स का रेंज क्या था, तो ऑल रियल नंबर। कॉसिक इनवर्स एक्स, कॉसिक एक्स का रेंज क्या था, वो इसका डोमेन बनेगा, तो इसका रेंज था एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन या एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन, सेम सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी आपको, ठीक है। अब यहाँ आइएगा, तो साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू
ब्रांच क्या आया, माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू तक का, सिर्फ इसमें ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमने इसको कहा, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट तो बहुत सारे इंटरवल्स में कर सकते हैं ना, बट प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेगा तो सिर्फ ये होगा, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कहता है कि सिर्फ इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये गलत है। सिर्फ इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसे लाखों इंटरवल, करोड़ों इंटरवल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स होंगे जहां पे कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बट वो सारे के सारे इंटरवल्स में से हम सिर्फ इस इंटरवल को सिलेक्ट करते हैं जो कि प्रिंसिपल वैल्यू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये दिमाग में फिक्स करके मत चलना कि सिर्फ इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा मान के चल रहे हो तो गलत पढ़ रहे हो भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंटरवल्स में एग्जिस्ट करेंगे, बट ये हम प्रिंसिपल वैल्यू मान के इसको चलते हैं, करेक्ट है। पहले भी आपको ग्राफ में क्लियर किया गया था इस चीज़ को। कॉस इनवर्स एक्स के लिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सर इसका जीरो टू पाई रहेगा, सही है। टेन इनवर्स एक्स का, सर ये तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू रहेगा, ठीक है। ये ग्राफिकली बहुत क्लियर हो जाता है, इस चीज़ को आप ग्राफ से बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। कॉट इनवर्स एक्स का क्या था, तो जीरो से पाई था। एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स आप साइन का रेफरेंस लेकर के चलो कि सर ये तो माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच का था, लेकिन जीरो को छोड़ के था, ठीक है। और सेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक से मैं रेफरेंस लेके चलूँगा, कॉस से रेफरेंस लेके चलूँगा और इसको लिखूँगा जीरो से लेके पाई, लेकिन वो वाला वैल्यू जहाँ पे सेक अनडिफाइन हो रहा है उसको निकाल दूंगा मैं, ठीक है। या तो आप ऐसे देखो यार कि बीचों बीच वाला जो वैल्यू उसको निकाल दिया, बीचों बीच वाला जो वैल्यू निकाल दिया, रेफरेंस के लिए याद रखने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस इंटरवल का जो मिडल का वैल्यू है ना उसको निकाल लो, इस इंटरवल का जो मिडल का वैल्यू है ना उसको निकाल लो। वैसे रटने की क्या ज़रूरत है भाई, अगर कॉन्सेप्ट मालूम है, अगर तुम्हें वैल्यू मालूम है तो रटने की ज़रूरत ही नहीं। मैं तो उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो रटते हैं, है ना, मतलब उनको भी मैं हेल्प कर रहा हूँ थोड़ा, राइट। तो यहाँ पे समझ लो, रटने की कोशिश मत करना कि अनडिफाइन कहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे उस वैल्यू को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो पाई बाई टू पे सेक अनडिफाइन हो रहा था तो निकाल लिया, कॉसिक जीरो पे अनडिफाइन हो रहा था उसको मैंने निकाल लिया, राइट है। और बाकी ये तो ये सब ग्राफ्स क्लियर हो जाता है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आज का जो डिस्कशन था ये बेसिकली सिर्फ ये क्लियर करने के लिए था कि भाई किस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को कंसीडर किया जाता है, किस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को डिसाइड किया जाता है। एंड बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रॉब्लम देता है बच्चों को वो यही होता है कि प्रिंसिपल वैल्यू। एंड इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज़ अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी पहले आप इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है एंड किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। एंड ग्राफ बहुत ही बेसिक जो चीज़ है, आपको अगर ग्राफ सिर्फ क्लियर है तो आप इस चीज़ को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं, कोई भी तकलीफ कभी भी नहीं होगी, राइट है। एंड प्रिंसिपल वैल्यू याद रखेंगे तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मालूम है तो आप आंसर कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख के जाओगे फिर, ठीक है। इन्वर्स में ऐसा दिखने में लगेगा यार इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप मिस्टेक करके चले जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मिस्टेक कर लिया है, इसलिए इसको ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ डिस्कशन में यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, और इसको अगले लेक्चर में इसके ऊपर कुछ बेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे एंड इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कुछ इसके 12-15 प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं उन सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा अगले लेक्चर में। एंड तब तक आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए ताकि अगला जो लेक्चर हो हमारा प्रॉपर्टी के ऊपर, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाएंगे, तो उसको समझने में कोई तकलीफ नहीं हो आपको। एंड तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड साथ में स्टडी अच्छे से करते रहिए। कोई दिक्कत आती है कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपने जो डाउट्स रहते हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। एंड टेक केयर एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दिस इज रविराज कुमार साइनिंग आउट।